सूरीनाम के डिस्ट्रिक्ट निकेरी के जिले के अंदर इस स्वागत समारोह के अंदर मैं सभी का आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमस्कार। आज इस समारोह में सूरीनाम नेशनल असेंबली के वाइस चेयरमैन श्री देव शर्मन जी, सूरीनाम के विदेश मंत्री अल्बर्ट रामदीन जी, सूरीनेम के कृषि मंत्री श्री परमानंद जी, निकेरी की सांसद जो लगातार हमारे साथ है, जो अच्छा संचालन कर रही है, निशा जाखरे जी, स्टीफन मत्सले जी, सांसद महेंद्र योगी जी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सेनेटा गोवर्धन जी और भारत से आए संसदीय शिष्टमंडल के मेरे साथी भोजपुरी के गायक रवि किशन जी, जिनका रात को आपने भोजपुरी के अंदर उनके साथ समारोह में संस्कृति को देखा, सांसद श्रीमती वीणा देवी, सांसद के सुरेश रेड्डी जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, संसदीय मंडल के सभी साथियों, भाइयों और बहनों, आपके जिले में आकर जिस भावना तक तरीके से भारतीय संस्कृति कला से आपने आतिथ्यपूर्व स्वागत किया, अभिनंदन किया, भारतीय संसदीय शिष्टमंडल आप सबको धन्यवाद देता है। सूरीनाम में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का पहली बार इस देश में आना हो रहा है। 14,000 किलोमीटर ये सूरीनाम, जहां आज भी भारत की संस्कृति है, संस्कार है, आध्यात्म है, कला है, और जिस तरीके से भारत में विभिन्न धर्मों की बहुलतावाद है, उसी तरीके से सूरीनाम की विविधता, बहु धर्मों की विविधता, अलग अलग संस्कृति की विविधता, संस्कार की विविधता, और लेकिन भारत की तरह सूरीनाम भी इस विविधता को जोड़ते हुए, यह विविधता इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है, और इसी विविधता के कारण एक साथ सब एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना से यहाँ पर अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने धर्म का पालन करते हुए एक साथ रह रहे हैं। कल रात को भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का जिस तरीके से आपने यहाँ की कला, भारतीय कला, 150 वर्ष पुराना है, भारत के इतिहास को नाटकीय नाटक के तरह प्रस्तुति से, ऐसा लगा कि आज भी 150 वर्ष बाद भी आपके मन में, आपके दिल में, आपके जीवन में भारत बसा हुआ है, ये देखकर मुझे रात को बहुत अच्छा लगा। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप भारत से कितने भी दूर हैं, लेकिन दिल आपके भारत से जुड़े हुए हैं, और आज भी आप सूरीनाम में रहते हुए अपनी जो मूल जड़ें हैं 150 वर्ष पुरानी, उन मूल जड़ों की संस्कृति, उसके संस्कार, उसके विचारों,
उसके आध्यात्मिक धर्म को इस सूरीनाम में आपने उसी तरीके से आत्मसात किया और यही विशेषता इस सूरीनाम में मुझे नजर आई। मुझे सूरीनाम का समृद्ध इतिहास माननीय राष्ट्रपति जी ने बताया था और माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा था कि किस तरीके से भारत और सूरीनाम मिलकर हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारी रणनीति साझेदारी को हम मजबूत कर रहे हैं। और जब 150 वर्ष भारत मूल से आए लोग यहाँ पर एक उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं, ये उत्सव भारतीय संस्कृति और सूरीनाम संस्कृति का ऐसा मेल होगा जो पूरे विश्व के देश देखेंगे। विश्व के उन देशों में, करीबन देशों के अंदर भी भारतीय संस्कृति की कुछ झलक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जीवंत भारतीय संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक को रखा है तो सूरीनाम के लोगों ने रखा है और यही यहाँ की विशेषता है। हम दोनों देश किस तरीके से मिलकर समृद्धि, खुशहाली ला सके, मैं लगातार 2 दिन से सूरीनाम देश के अंदर हूँ और सूरीनाम आर्थिक रूप से नई प्रगति करने वाला देश है। हमें आवश्यकता है हमारे नौजवानों को तकनीकी ज्ञान की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, नए विज्ञान की, नए इनोवेशन की, ताकि हम नए इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी से दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजियां ला सकें। और इसीलिए भारत ने इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता के कारण, उनके नए इनोवेशन के कारण, नवाचार के कारण आज दुनिया के अंदर भारत आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से सूरीनाम की संस्कृति के अंदर भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नए रिसर्च कर सकते हैं, नए इनोवेशन कर सकते हैं, ताकि इस एग्रीकल्चर सेक्टर के माध्यम से आने वाले करीबन देश नहीं, हम अमेरिका और यूरोप को भी एक बड़ी सप्लाई चेन के रूप में बना सकें। इसके लिए हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं कृषि मंत्री से मेरी चर्चा हुई थी, कृषि मंत्री जी भी इस दिशा के अंदर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर के अंदर नई टेक्नोलॉजी लाकर, जहां क्योंकि यहां पर जनसंख्या कम होने के कारण यहां पर काम करने वाले मजदूरों या काम करने वाले किसान कृषकों की कमी है, और इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें बेहतर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। यहां पानी की कमी नहीं है, यहां जमीन की कमी नहीं है, आवश्यकता है कि एग्रीकल्चर की नई टेक्नोलॉजी लगाकर हम हमारे प्रोडक्ट को एक बेहतरीन प्रोसेसिंग कृषि प्रसंस्करण केंद्र लगाकर यहाँ पर इन प्रोडक्टों को वैल्यू एडिशन कर सकें। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ की प्राकृतिक संसाधन के साथ दुनिया के अंदर अमेजन के बीच में बसा है सूरीनाम, ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है। आज दुनिया के अंदर ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है तो सूरीनाम दे रहा है। आपकी प्रकृति के प्रति आपकी जिस तरीके से निकटता है, प्रकृति को जिस तरीके से आपने संरक्षित कर रखा है, इसके लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि आज दुनिया एक नई लड़ाई लड़ने जा रही है। वो लड़ाई जब ली जा रही है हमारे कार्बन उत्सर्जन को लेकर, और यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन की तो जीरो है से ही, उसके साथ साथ आपका ऑक्सीजन दुनिया का देने का जो आपका संकल्प है वो निश्चित रूप से दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। सूरीनाम की जनसंख्या की कमी जरूर है, लेकिन भारत से आए लोग जिस कर्मठता से, जिस कठिन परिश्रम से, जिस मेहनत से उन्होंने 150 वर्ष के अंदर सूरीनाम को समृद्धि की, आर्थिक प्रगति की, उसके लिए मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आज भी आपकी कड़ी मेहनत, आपका कठिन परिश्रम, आपका संकल्प आने वाले समय के अंदर सूरीनाम को
दुनिया के अंदर सबसे प्रगति के रूप में एक कुशल समृद्ध देश की ओर ले जाएगा, और इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। आज पूरा विश्व एक है, और इस विश्व को जोड़ा है तो टेक्नोलॉजी ने जोड़ा है। आज किलोमीटर की दूरियां भी नज़दीक आई है तो टेक्नोलॉजी के कारण आई। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम किस तरीके से नज़दीक रणनीति रिश्ते बनाकर व्यापारिक ट्रेड को और बेहतरीन बनाएं, यहाँ से हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन एक्सपोर्ट करने के लिए वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हैं उसकी योजना बनाएं, और क्या क्या हम दुनिया से मंगा सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, नए एक्सपर्टाइज मंगाने के लिए हम दुनिया के साथ बेहतरीन समझौता करने का काम करें। मुझे आशा है आपने जिस प्यार स्नेह से यहाँ हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया है, हम यहाँ के गाँव में गए हैं, हमने पहली बार सूरीनाम के अंदर किस तरीके से किलोमीटर तक के जंगल देखे जो देखने को आज दुनिया के अंदर किसी देश में नहीं मिलते हैं। ये यहाँ की प्रकृति, यहाँ की नदियाँ, यहाँ का सौंदर्य सब आपने संरक्षित रखा है, यह आपकी संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा है। मुझे आशा है आने वाले समय में भारत और सूरीनाम की मित्रवत जनता के संबंध और मजबूत होंगे। आपकी ये वर्तमान पीढ़ी भी भारत लगातार आएगी, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सूरीनाम में रहने वाला हर भारतीय वंशी को अपनी मूल जमीन पर भी जाना चाहिए, भारत में जाना चाहिए, और भारत में इसलिए जाना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी भारत की जड़ों से जुड़ी रहे, ये प्रयास आपको लगातार करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम आज आपके देश में आए। मुझे आशा है हमारे यहाँ संसदीय शिष्टमंडल आने से हमारे रणनीति रिश्ते मजबूत होंगे, हमारी संस्कृति का आदान प्रदान और मजबूत होगा, हम कल्चर से भी जोड़ेंगे, धर्म से भी जोड़ेंगे, और हम इंडस्ट्री और व्यापार और सर्विस सेक्टर से भी भारत और सूरीनाम को जोड़कर एक मजबूत रिश्ते से दोनों देशों की समृद्धि खुशहाली को आगे बढ़ाएंगे। मैं कामना करता हूं कि आने वाले समय में सूरीनाम की समृद्धि हो, खुशहाली हो, यहाँ की जनता की खुशहाली हो, समृद्धि हो, यहाँ के नौजवान नई तकनीक नई इनोवेशन से इस देश का नाम करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।